हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास ट्वेल्थ का बिजनेस स्टडीज़ का 2022-23 का सिलेबस बता रहा हूँ जो डीओई ने इशू किया है। और आपको पता होना चाहिए कि मिड टर्म में आपको कौन कौन से चैप्टर्स या यूनिट्स करनी है, ठीक है। और मिड टर्म के बाद आपको बाकी बची हुई करनी पड़ेंगी और फाइनल टर्म में आपको ये सारा सिलेबस आएगा। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ना, यही आपको करना है। जैसे अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हो या राइटर की बुक हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं ना, ये टॉपिक ही आपको सारे कवर करने हैं। जो टॉपिक इसमें नहीं लिखे वो आपको नहीं करने। हाँ, इन टॉपिक के अंदर अगर उस चैप्टर में डिटेल में बता रखे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जब आप अपने चैप्टर देखेंगे, यूनिट देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि मेन हेडिंग ये है और उसके अंदर ये टॉपिक हैं और यही आपको करने हैं। जो इसके अलावा दे रखे होंगे वो आपको नहीं करने हैं। हाँ, लेकिन आपने कॉमर्स लिया, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पार्ट ए आपकी जो बुक है, ठीक है। अब देखो, आपकी एक ही बुक में दोनों पार्ट दिए होते हैं, तो आप ये सुनिए, यूनिट वन में आपका देख लो चैप्टर ये है और इसमें आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब इसमें प्लानिंग का दे रखा है ना, अब इसमें तो समरी है ना, ठीक है, इसमें समरी है। तो ये अलग अलग चैप्टर भी हैं, तो इसमें जितना बता रखा होगा ना चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर डिटेल में जो दिया होगा उतना ही करना आप, ठीक है। फिर आपको देखो, यूनिट सेकंड करनी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको सारे प्रिंसिपल्स करने हैं, फ्यूल के भी और टेलर के भी, ठीक है। और जितना भी यहाँ सबको देगा अच्छे से करना, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है क्योंकि किसी राइटर में चैप्टर का नाम और किसी में यूनिट का नाम ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और किसी बुक में आपको अलग अलग चैप्टर मिलेंगे या किसी में यूनिट के अंदर के पार्ट मिलेंगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टॉपिक के अंदर जो भी होगा सारा करना आप, ठीक है। और आप देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, ठीक है। तो ये और डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। तो यहाँ तक आपका सारा सिलेबस आ रहा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अच्छे से इसे करना पड़ेगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो मिड टर्म में आपके जो है, देख लो कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, यूनिट्स आ रही हैं, तो आप आराम से देख लो यहाँ तक आपको करनी है, ठीक है। और मिड टर्म के बाद आपको पार्ट बी जो आपकी बुक है, मतलब मिड टर्म के बाद आपको पढ़नी है और इसमें देख लो कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं। तो ये जो टॉपिक लिखे हैं इन्हें अच्छे से करना, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन बन के आएंगे और केस स्टडीज ज़्यादा आती हैं। तो अगर आपने कंसेप्ट अच्छे समझ रखा है ना हर चैप्टर का, तो उन केस स्टडीज का बहुत ईजिली बता सकते हो, ठीक है। तो जो इसमें अगर चैप्टर या यूनिट नहीं लिखी ना, तो वो आपको नहीं करनी है, जो लिखी है वही आपको करनी है, ठीक है। और फिर आपका प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, 15 दिसंबर तक आपका सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद प्री बोर्ड होगा, प्री बोर्ड के बाद फाइनल टर्म होगा और फाइनल जो एग्ज़ाम है बोर्ड के, आपके एग्ज़ाम है 15 फरवरी से स्टार्ट होंगे। अब देख लो कि कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, ठीक है। ये जो दे रखा है ना, ये फाइनल टर्म के हिसाब से दे रखा है, बोर्ड के हिसाब से दे रखा है। मिड टर्म में आपके इतने ही आ रहे हैं ना, तो ये सारा का सारा जो 80 नंबर में कन्वर्ट होकर आपका आएगा, 3 घंटे का एग्ज़ाम ही आपका आने वाला है, ठीक है। मैंने ब्रीफली आपको बता दिए और आप ये भी सब लिख लेना, क्योंकि आपको तो फाइनल के हिसाब से पढ़ाई करनी है ना, ठीक है। मिड टर्म में कैसे नंबर आएंगे, अपने भी अच्छे आएंगे अगर फाइनल के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।